हाय एवरीवन, वेलकम टू लॉ लस्ट। माई सेल्फ ऋतिक, अ फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ DU। और आज से हम फैमिली लॉ की लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला केस है सूरज मनी स्टेला वर्सेस दुर्गा चरण। ये जो केस है ये मेनली सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ऑफ HMA उससे रिलेटेड है। और चलिए इस केस के फैक्ट्स को समझते हैं। इस केस में होता क्या, एक मैरिड कपल होता है, वो हालांकि हिंदुज्म को प्रोफेस करता है, लेकिन जो दोनों हस्बैंड और वाइफ है वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और होता है कि जो हस्बैंड होता है ना, वो अपनी पहली वाइफ की एग्जिस्टेंस में एक दूसरी मैरिज करता है, और इसी के अगेंस्ट में जो वाइफ कंप्लेन करती है, क्योंकि उसकी कंटेंशन होती है कि ना वो जिस उनकी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसमें कस्टम है कि जो मोनोगेमी है उसको मैंडेट करता है, और जो हस्बैंड ने जो सेकेंड मैरिज करी है वो उस कस्टम के अगेंस्ट में है, इसीलिए वो लाइबल है अंडर सेक्शन 494 ऑफ IPC में। और इसमें इशू मेनली दो होते हैं। पहले इशू तो ये होता है कि ना, फॉर द पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हम हिंदू किसे डिफाइन करेंगे, हिंदू क्या है, मतलब इसकी कहीं ना कहीं एक डेफिनेशन ले डाउन करी गई थी। और दूसरा इसमें जो मेन इशू था क्या, वो ये था कि ना, अगर कोई ट्राइबल कम्युनिटी हिंदुज्म को प्रोफेस करती है तो वो क्या हिंदू मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ HMA, जिसमें कोर्ट ने कुछ तीन मेनली ऑब्जर्वेशन दी थी, उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहले तो कोर्ट ने एक पहले ऑलरेडी केस हो रखा था जिसका नाम था भगवान कौर वर्सेस JC बोस। इस केस को रेफर करते हुए, क्योंकि इस केस में ना हिंदू की एक इंटरप्रिटेशन दी थी कोर्ट ने, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि जो रिलीजन है काफी इलास्टिक है, और मतलब इसमें जो डाइवर्सिटी ऑफ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कुछ कास्ट में जो ये जहाँ पे बीफ खाना एक बहुत बहुत एक्सट्रीम चीज है, लेकिन ऐसा भी है कि हिंदू में कुछ कास्ट ऐसी भी हैं जो ये आप इसकी प्रैक्टिस करती भी हैं, तो इसलिए ये ज्यादा आसान है कि ये बताने में कि कौन हिंदू नहीं है, एज कंपेयर टू ये बताने में कि कौन हिंदू है। दूसरा पॉइंट जो कोर्ट कहती है इस केस में, वो ये था कि जब आप किसी कस्टम के ऊपर आप किसी कस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका कुछ आप सहारा ले रहे हैं, तो उसमें आपको तीन चीजें बड़ी क्लियरली दिखानी चाहिए कि वो कस्टम कितना एंशियंट है, कितना सर्टेन है, और कितना रीजनेबल है, ये चीजें जरूर शो होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो इसमें कोर्ट कहती है वो ये था कि ना, हालांकि इस केस में जो वाइफ थी वो किसी कस्टम पे रिलाई कर रही थी, लेकिन कुछ भी ऐसा सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं दिखाया वाइफ की साइड से जो ये प्रूफ कर सके कि वो कस्टम जो है एग्जिस्टेंस में है। और सिर्फ आप एक कस्टम की प्लीडिंग लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते, अनलेस आपके पास कोई सब्सटेंशियल ग्राउंड है ये दिखाने के लिए कि वो कस्टम बहुत पुराना है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और भी जो मेन चीजें वो दिखानी चाहिए जो पार्टी है वो क्लेम कर दिया अगर कस्टम तो। और लास्ट में इन्हीं बेसिस पे कि एविडेंस जो थे वो सफिशिएंट नहीं थे, जो प्लीडिंग्स थी उनकी स्पेसिफिक वो एब्सेंस थी, वो एब्सेंट थी, इस बेसिस पे जो कोर्ट का डिसीजन था वो हस्बैंड के फेवर में था। यही मेन पॉइंट्स थे इस केस के। और इसी तरह आप हमारे लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज को फॉलो करने के लिए हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।